दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कार्टून वॉर शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर फोटो शेयर कर सिसोदिया को सुपर हीरो के अवतार में पेश किया है, हालांकि इसमें उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा है। वहीं बीजेपी ने रीट्वीट कर सिसोदिया की दूसरी फोटो शेयर की और कैप्शन में शिक्षा मंत्री की आड़ में शराब मंत्री लिखा गया है। आपको बता दें, केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की जो तस्वीर पेश की है, इसमें सिसोदिया दिल्ली एजुकेशन मॉडल नाम की एक ढाल पकड़े हुए हैं, जो एक लड़की की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई नाम के तीर बरस रहे हैं। बिना कैप्शन की इस तस्वीर को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने एक फोटो शेयर की है, इसमें सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी नाम के तीर छोड़े जा रहे हैं और वो खुली किताब पकड़े शराब की बोतलों और नकदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब के कवर पर लिखा है, लूट शिक्षा की आड़ में, जनता जाए भाड़ में। वहीं फोटो में केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में झाड़ू है। सुनील यादव ने इस फोटो में कैप्शन में लिखा है, शिक्षा मंत्री की आड़ में शराब मंत्री। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को तलब किया था और इसी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें, सोमवार को केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे, ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपको बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को भी सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से की थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी थी। घर से निकलने के बाद सिसोदिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। वो पूरे लाव लश्कर के साथ सीबीआई दफ्तर रवाना हुए थे। इस मौके पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे। सिसोदिया हाथ में तिरंगा फहराते हुए खुली गाड़ी में निकले थे। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।